अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, प्रोग्रामर एक्स में मैं हूं मिर्ज़ा अनीस बिग बर्लास। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि हम नोटपैड प्लस प्लस को डाउनलोड और इंस्टॉल करके उसमें एचटीएमएल को कैसे चला सकते हैं। हमारे पिछले वीडियो ट्यूटोरियल्स में हमने एचटीएमएल का कोड ड्रीमवीवर सीसी पे भी किया, उसके बाद हमने नोटपैड सिंपल पे भी चला के चेक किया। आज हम नोटपैड प्लस प्लस यूज़ करेंगे और इसमें देखेंगे कि हम अपना कोड कैसे लिख सकते हैं और उसे ब्राउज़र पे कैसे रन कर सकते हैं। इसमें सारे स्टेप्स सिंपल नोटपैड वाले ही हैं, लेकिन ये आपको ऑप्शंस कुछ ज़्यादा दे देता है। और नोटपैड प्लस प्लस में तकरीबन हर लैंग्वेज का कोड लिखा जाता है। सबसे पहले आप अपना फेवरेट ब्राउज़र ओपन कीजिए, गूगल पे आप नोटपैड प्लस प्लस लिखिए और सबसे पहले लिंक जो है उस पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आपको डाउनलोड का बटन मिलेगा और इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा। डाउनलोड पे क्लिक कीजिए, आपके सामने स्टार्ट डाउनलोड का आईडीएम का आ गया है। 4 MB की फाइल है, आप स्टार्ट डाउनलोड पे क्लिक कीजिए, आपकी डाउनलोड शुरू हो गई। तो दोस्तों इसको आप ओपन कीजिए, आप अपनी एग्जी फाइल को ओपन कीजिए, जिस पे क्लिक कीजिए और स्टेप्स फॉलो कीजिए। इसको फिनिश कर दीजिए तो आपका नोटपैड प्लस प्लस यहाँ पे लॉन्च भी हो गया, स्टार्ट भी हो गया। इसको बंद कर दीजिए आप। इसके साइज़ को मैं जूम इन कर लेता हूँ। यहाँ पे हम अपना एचटीएमएल का कोड लिखते हैं। इसे सेव करने के लिए कंट्रोल एस दबाइए या फाइल पे सेव या सेव एस पे क्लिक कर दीजिए। सेव पे क्लिक किया, यहाँ पे आप अपना फोल्डर चूज़ कीजिए। हमने पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में यूट्यूब के नाम से एक फोल्डर बनाया था, उसे ओपन कर लें। यहाँ पे हमारी पिछली फाइल भी मौजूद है, इस फाइल को वन का नाम दिया मैंने। .txt की जगह इसकी एक्सटेंशन html ढूंढ के पेज में हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज पे आप क्लिक कीजिए और सेव कर दीजिए। ऊपर one.html भी आ गया है, इसे सेव कीजिए। आपकी फाइल html के फॉर्मेट में सेव हो चुकी है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने html का कोड यहाँ पे लिखा है। अब हमें अगर इसे अपने ब्राउज़र पे अगर हमें इसे रन करवाना है तो उसके लिए आप इसे सेव कीजिए। अपने फोल्डर पे जाइए जहाँ पे आपने इसे रखा हुआ है, यूट्यूब के फोल्डर में मैंने इसे रखा है वन। ये क्रोम एचटीएमएल की फाइल बनी हुई है, इस पर आप डबल क्लिक कर दीजिए तो आप देख सकते हैं कि आपकी फाइल नोटपैड प्लस प्लस की जो आपने भी बनाई थी एचटीएमएल की, वो आपके ब्राउज़र पे भी रन हो रही है। तो ये था आज का वीडियो ट्यूटोरियल नोटपैड प्लस प्लस को रन और इंस्टॉल करने के लिए। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।